हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द जावास्क्रिप्ट इन हिंदी। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा गेट एलिमेंट बाय टैग नेम के ऊपर, ठीक है। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली बार पढ़ लिए हैं डॉक्यूमेंट बाय आईडी, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। उसके बाद हमने क्वेरी सेलेक्टर पढ़ लिए हैं और टैग नेम के साथ भी हमने क्या कर लिया है। अब इसको टैग नेम, पहले हमने क्या किया था, नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग काम किया था, ठीक है। तो एग्जांपल हमने की थी गेट एलिमेंट बाय नेम, अब करेंगे टैग नेम के बेसिस पे, ठीक है। टैग्स हो के हमारे पास डिव हो गया, पी हो गया, h1 हो गया, ठीक है। इन टैग्स के बेसिस पे क्या करेंगे, हम अपने डोम के अंदर क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसको सबसे पहले तो हमें रिट्रीव करना पड़ेगा उस एलिमेंट को। तो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और यहाँ पे टैग नेम आपको ऐड करना है, वेदर इट्स टू बी अ डिव, पैराग्राफ, हेडिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद अब एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल है हमारी, ठीक है। अब इसमें डिव एलिमेंट है हमारे पास, एलिमेंट वन, एलिमेंट टू, एलिमेंट थ्री, ठीक है। तो जब मैं गेट एलिमेंट बाय टैग नेम करूँगा डिव, तो इसमें तो कलेक्शन आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। अगर आप इसकी यूनिक आईडी होती तो उसके बेसिस पर भी आप कर सकते थे। अब मान लो कि सारे डिव्स हैं, डिव मैंने यहाँ पे पास कर दिया है, तो सारे सारे टैग आ गए इसके अंदर, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, लूप में ले जाके इसमें सारों में क्या कर दी, एक क्लास ऐड कर दी, ठीक है। इसमें कोई क्लास नहीं है, अगर मैं सेव करके चलाऊंगा इसको, तब देखो हर एक को क्लास है, देखो इसमें हर एक को क्लास लगे हुए, हाईलाइट हाईलाइट हाईलाइट। तो जब भी आपको कोई क्लास ऐड करनी है इस तरीके से, ठीक है, तो आप क्या कर लो, जो हमारे पास क्लास लिस्ट करके डॉट ऐड कर लो, ये हमारे पास जो भी क्लास है इसको लूप में मैंने घुमा दिया है, ठीक है। तो जब भी, तो किसी भी तरीके से आपको एलिमेंट को अगर असेस करना है बाय टैग नेम, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, नोट लिस्ट और एस्टिमेट कनेक्शन ही मिलेगा आपके पास, क्योंकि इसमें देख लो कोई भी यूनिक पैरामीटर नहीं है, ठीक है। अगर सपोज मान लो क्लास यूनिक है या कुछ यूनिक है, तो आप सिंपली कर लेते, फॉर लूप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट यहाँ पर कोई क्लास नहीं है, कोई यूनिक आईडी नहीं है, तो हमने क्या यूज़ कर दिया, उसका टैग नेम को यूज़ करके उसमें एक, हर एक में क्या कर दी, क्लास ऐड कर दी, ठीक है। सो ये था आपका गेट एलिमेंट बाय टैग नेम के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।